भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है सपना रोहिला जी, वो भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का परचम कस्बे में लहराएगी। आपको एक चीज़ और बताऊं, अम्बेडा कस्बे में पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने जितने मकान बनवाए हैं ना, उनमें अधिकतर एक हमारे मुस्लिम भाइयों के हैं, तो भेदभाव का तो कोई मामला नहीं है। मैं सबसे पहले तो अपने एक्सप्रेस न्यूज शाह मोहम्मद जी का स्वागत का अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने कीमती समय से मुझे सुना। भारतीय जनता पार्टी अम्बेडा कस्बे में जीतेगी। रणनीति हमारे जो सपना रोहिला जी हैं, अजय रोहिला की पत्नी, लगभग 25 वर्ष से अजय यहाँ पर काम कर रहा है। वैसे तो हाईकोर्ट में वकील हैं, शासकीय अभियंता हैं, लेकिन मैं मानता हूँ 25 साल की जो मेहनत है वो इस बार रंग जोड़ दिखाई। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। और मैं आपके पहले सवाल का जवाब भी दे दूँ, यहाँ पर वही वकील साहब ने जैसे बोला कि रोज़गार की समस्या बहुत है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ विकास पे और रोज़गार की समस्या पर काम करेंगे। यहाँ पर औरतों के लिए भी कोई रोज़गार नहीं है, औरतें महिलाएं जो हैं ज़्यादातर जो हैं बाहर ही रहने लगे हैं, और महिलाएं भी छोटे बच्चे भी जो हैं काम के लिए बाहर निकल कर जाना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे यहीं रहें, यहीं पर। हाईकोर्ट के अंदर वकील हैं, और आप किस प्रकार की उम्मीदें जताना चाहेंगे जो यहाँ की जनता है जो। नगर पंचायत अम्बेडा पीर में पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सपना रोहिला को प्रत्याशी बनाया, ऐसे में क्या समीकरण होंगे जीत के ताकि यहाँ कमल खिल सके। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है सपना रोहिला जी, वो भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का परचम कस्बे में लहराएगी। आपको पता ही है, समीकरण के बारे में सोचने की हमने कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने इतने अच्छे कार्य विकास कार्य किए हैं जो सब हम आप सबके सामने हैं। विकास का मुद्दा है, कानून का मुद्दा है, जो अच्छे कार्य किए हैं उनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। आपको एक चीज़ और बताऊं, अम्बेडा कस्बे में पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने जितने मकान बनवाए हैं ना, उनमें अधिकतर एक हमारे मुस्लिम भाइयों के हैं, तो भेदभाव का तो कोई मामला नहीं है। तो अनेक ऐसे योजनाएँ हैं, अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अम्बेडा कस्बे में जीतेगी। ऐसे में तमाम समूचा जो समाज है, एक तरह से किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के पाले में, सबसे आग्रह करेंगे विकास की योजनाएं उनके उन तक पहुंचाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो परिश्रमी कार्यकर्ता है, मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है। हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पूरे कस्बे में घूम घूम के सबसे मिलकर संपर्क करके प्रदेश सरकार की योजना और देश की योजनाओं को बताएगा। जो हमारे अच्छे कार्य हैं दोनों नेताओं के, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के, जो सब हमारा आप सब लोग जानते हैं, उनको जनता तक पहुँचा के अपील करेंगे, वोट की आग्रह करेंगे। मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ कर आग्रह करना ये चाहूँगा कि देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और अम्बेडा नगर पंचायत के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। और सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने के बाद जो सुशासन और जो विकास का काम चला है उसको गति देने के लिए ये भी जरूरी है कि नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते। आपको पता है, देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा सरकार है, और हमारे जिले में जिला पंचायत भी अध्यक्ष हमारा है, हमारा यहाँ का ब्लॉक प्रमुख भी हमारा है, यहाँ का सांसद भी हमारा है, विधायक भी हमारा है। तो जिला नगर पंचायत में जब हमारा चेयरमैन होगा तो विकास दोगुना होगा। रणनीति हमारे जो सपना रोहिला जी हैं, अजय रोहिला की पत्नी, लगभग 25 वर्ष से अजय यहाँ पर काम कर रहा है। वैसे तो हाईकोर्ट में वकील हैं, शासकीय अभियंता हैं, लेकिन मैं मानता हूँ 25 साल की जो मेहनत है वो इस बार रंग जोड़ दिखाएगी, क्योंकि इसे जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी योजनाएं प्रदेश से लेकर के आए हैं अजय भाई, वो सभी जाति सभी धर्म को देने का काम किया, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे मकान का मामला हो, विकास से जुड़े मामले हों। तो अगर किसी दूसरे का विचार कर लेगा मतदाता यहाँ का, तो क्या विकास कर पाएंगे। अभी विधायक जी चर्चा कर रहे थे, सांसद हमारा है, जिला पंचायत हमारी है, विधायक हमारा है, प्रमुख हमारा है, अगर प्रदेश में और देश में सरकार हमारी है, वास्तव में नगर पंचायत अम्बेडा में विकास चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सपना में जाने का काम यहाँ के मतदाता निश्चित तौर पर करेंगे। बसपा में चले गए, इसका मतलब यह था अगर भाई सपा में चले गए, बसपा में चले गए, तो जीत थोड़ा ही होती है, जीत तो मतदाता के हाथ में है। वो जानते हैं कि दल बदल जो लोग हैं, दल बदलने वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ के लोग। वो तो विकास सम्मान जो और कानून व्यवस्था जो प्रदेश ने दिए, योगी जी ने दिए, उसको सब कोई जाति धर्म के आज सब प्रभावित हैं। आपको सबको जानकारी है कि इससे पहले सरकारों में क्या स्थिति थी, बहनें सुरक्षित थे, भाई सुरक्षित थे, किसान खेतों में सुरक्षित था, बाजार में व्यापारी सुरक्षित था। माननीय योगी जी ने सारी व्यवस्था देने का काम किया और विकास से जोड़ने का काम किया। निश्चित तौर पर यहाँ पर नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सपना रोहिला जीतेंगे।
तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज ने जैसे विधानसभा में वोट देने का काम किया और अब सब समझ गए हैं सब लोग शेड्यूल कास्ट। अब हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे खाद्यान्न से संबंधित हो, मकान से संबंधित हो, पेंशन से संबंधित हो और रोजगार संबंधित, सब जाति सभी धर्म को देने का काम कर रहे हैं। और मैं महसूस करता हूँ जो 25 साल से मेहनत अजय की है, अजय रोहिला की, वो निश्चित तो इस बार मतदाता समझ चुका है कि सपना रोहिला को वोट देकर कई सम्मान, विकास और कानून व्यवस्था कायम हो सकती है, निश्चित तौर पर विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं सर्वप्रथम तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष प्रदेश के नेतृत्व में, अपने जिले के नेतृत्व में माननीय किरण सिंह चौधरी जी का, माननीय विधायक जी का, माननीय जिला अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनकी, उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व देकर जो मेरे में विश्वास व्यक्त किया है, पूरी पार्टी ने मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया है। मैं जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ हमारे विधायक जी ने चर्चा की, हमारे सांसद जी हमारे साथ हैं, हमारे विधायक जी साथ हैं, हमारे पूर्व विधायक जी साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, कर्मिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ है। मैं सभी अम्बेठे की जनता से अपील करूँगा कि वो अगर अम्बेठे को कहते हैं डबल सरकार इंजन की चल रही थी, लेकिन आज अगर अम्बेठे की जनता, मैंने जो 20 साल से उनका जो उनके विकास के कार्य रूप में काम किया हो, चाहे वो पेंशन का काम हो, मैंने 800 से 900 पेंशनें बनवाई, चाहे वो नलके की उसमें हो, 35 से 40 नलके मैंने सभी ईदगाह, मस्जिद, कोई मंदिर सब के आगे सब मैंने लगवाए, चाहे वो मकान की आवास योजना हो उसके अंदर मैंने कोई भेदभाव नहीं, 800 से 900 मकान बनाए, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम समाज के ही मकान हैं। और तमाम जितनी योजनाएं हैं, एक हमारी, मैं अभी हमारे विधायक जी खड़े हैं, हमारे विधायक जी और के प्रयासों से हमारी नगर पंचायत को आदर्श योजना का जो दिया, आदर्श योजना दी गई जिसमें 3 करोड़ रुपए दिए गए, आप जाके अब अम्बेठे का सर्वे करें। मैं अम्बेठे की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जब से माननीय विधायक जी ने अपने काम करे कर पूरा विकास की गंगा अम्बेठे के अंदर नगर पंचायत के बहा दी। रोकना चाहूँगा, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का माननीय विधायक जी ने भी अभी बखान किया, लेकिन लोकल इश्यूज की यदि बात की जाए, लोकल क्या मुद्दे होंगे, क्या बड़ा मुद्दा नगर पंचायत इस बार रहने वाला है जो कि चुनाव को प्रभावित कर? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ उसका कारोबार का है। हमारे अम्बेठे की गरीब जनता है, मिडिल क्लास के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन 20 साल हो गए एक यहाँ लघु उद्योग, लघु एक इंडस्ट्री एरिया हुआ करता था। आप जाके वहाँ सर्वे करिएगा, वहाँ बजाय फैक्ट्रियों के, इन यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने जो है वहाँ कूड़ा डालने का काम किया। प्रतिनिधित्व रहेगा कि हम जो है अम्बेठे का विकास ही हमारा मेन मुद्दा होगा। रही जातिगत आंकड़े, मैं 20 साल से यहाँ चुनाव फाइट कर रहा हूँ, जितना मुझे हिंदू समाज चाहता है उससे ज़्यादा मुझे मुस्लिम समाज चाहता है। मुस्लिम समाज भी मेरा अपना है, उसमें जो अंसारी बिरादरी है वो हमारी साथ है, जो कुरेशी बिरादरी है उसमें से, कुरेशी बिरादरी में से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है वो हमारी साथ है, अंसारी बिरादरी से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है वो हमारी साथ है, तो तमाम जितनी जातिगत आंकड़े हैं आज हमारी साथ हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कोई भी जातिगत आंकड़े हमारे साथ। महिलाओं के लिए भी जानने का हरदम प्रयास करेगी एनएक्सप्रेस न्यूज की टीम, जो महिलाएँ हैं या और भी प्रत्याशी हैं, आप किस किस प्रकार से महिलाओं को समर्थन सपोर्ट करेंगी? सबसे पहले तो भाई साहब ने बोला, जैसे कि विधायक जी ने कहा है कि यहाँ हम लोग विकास के तौर पर काम करेंगे, और सबसे पहले नमस्कार, आदर सम्मान आपको दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक वगैरह और सारी बड़ी बड़ी प्रतिनिधिमंडल के यहाँ पे नेता आए हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, और मैं आपके पहले सवाल का जवाब भी दे दूँ, यहाँ पर वही वकील साहब ने जैसे बोला कि रोज़गार की समस्या बहुत है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ विकास पे और रोज़गार की समस्या पर काम करेंगे। यहाँ पर औरतों के लिए भी कोई रोज़गार नहीं है, औरतें महिलाएं जो हैं ज़्यादातर जो हैं बाहर ही रहने लगे हैं, और महिलाएं भी, छोटे बच्चे भी जो हैं काम के लिए बाहर निकल कर जाना पड़ता है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे यहीं रहें, यहीं पर। हाईकोर्ट के अंदर वकील हैं, और आप किस प्रकार की उम्मीदें जताना चाहेंगी जो यहाँ की जनता है, जो नॉन एजुकेटेड महिलाएँ हैं उनको शिक्षा के स्तर पर, महिलाओं को भी प्रौढ़ शिक्षा का भी जो है विद्यालय होना चाहिए यहाँ पर, जो हम पेंशन वगैरह की बहुत परेशानी रहती है, बूढ़ी महिलाएं होती हैं उनको उसके लाइन में लंबी लंबी कतार में लगना पड़ता है, और सरकार है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में और केंद्र में, और आपके समर्थन में जो यहाँ पे हवन हुआ है, बड़े बड़े विधायक और बड़े बड़े दिग्गज नेता चल कर आए हैं, कभी किसी के साथ में कोई समस्या ऐसी होगी तो क्या ऐसे भी आएंगे, फिर भी आएंगे?
नहीं भैया, कोई समस्या नहीं आएगी। हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि भाई किसी भी महिलाओं को या पुरुषों को, बच्चों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए। और सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम चेयरमैन बनेंगे तो उसके बाद हम घर घर जो है संदेशा मोहल्ले में जो है किसी को जो है नगर पालिका में जाकर के अपना कोई भी समस्या का समाधान ना करवाना पड़े, ऐसे मीटिंग रखी जाएगी महीने में कि भाई सभी अपना बातों का अपना निस्तारण कर सके, भाई सीधे बात हो। महिलाओं के लिए आप कोई कमेटी गठित करेंगे या कोई मीटिंग कुछ बिठाएंगे जो एक हफ्ते में एक बार या एक महीने में दो बार उनसे कुछ मुलाकात हो और वो अपनी समस्या को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें? और आप एडवोकेट अजय रोहिला के माध्यम से या आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आप उसका निवारण करा सकें? सबसे पहले बताइए क्या ऐसा रहेगा महिलाओं के लिए आपकी तरफ से जो गिफ्ट के तौर पर माना जाए? महिलाओं के लिए तो सबसे पहले तो भैया यही होगा कि मैं उनके लिए कि यह है सीधा वो मेरे से संपर्क कर सके, जाकि उन्हें किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो। घरों में राशन की समस्या है, राशन के लिए भी उन्हें कोटों में जाकर के लाइनों में लगना पड़ता है, उसकी भी थोड़ी सी सुविधा कराई जाएगी कि भाई उन्हें इतनी दूर जाकर के और ना लाइनों में लगना पड़े। और रोजगार के लिए भी थोड़ा उनके लिए काम किया जाएगा कि उनके लघु उद्योग जो है छोटे छोटे घर में ही किए जाएँ, जो कि कुछ महिलाएँ एकत्रित होकर के अपना काम कर सके। बूढ़ी महिलाओं के और लड़कियों के लिए और कहीं ना कहीं जो महिलाओं को ज़रूरत पड़ती है, एक महिला उनसे खुलकर बात कर सकती है और उनकी समस्याओं को सुन सकती है और फिर उसका निवारण कराने के लिए सपना रोहिला जी जद्दोजहद कर रही हैं और इस चुनाव में हरदम पूरा पूरा प्रयास कर रही हैं। उनकी पार्टी के लोग अपने सहयोगी मोहम्मद नौशाद के साथ, मैं आस मोहम्मद, बने रहें नए अपडेट के लिए नेक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।